26 दिसंबर 2019 को वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 25 तारीख को सूतक इसका प्रारंभ हो जाएगा संध्या समय, और इसका जो ग्रहण है सुबह रहेगा, जिसका मैं समय बता चुकी हूँ अपनी पूर्व वीडियो में। आज मैं आपको बता रही हूँ 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि में होने वाले इस सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका जो प्रभाव है विभिन्न राशियों पर पड़ेगा, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। साइंस ने प्रूफ कर दिया है हर कुछ कि हर ग्रह नक्षत्र का आप पर प्रभाव पड़ता है किसी न किसी रूप में। हम किसी भी वैज्ञानिक बात को जब धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं तो जनमानस पर उसका प्रभाव काफ़ी गहराई से पड़ता है। यही कारण है कि जो नैतिक नियम बनाए गए हैं, नैतिक कानून कायदे बनाए गए हैं, जो जीवन शैली से जुड़े हुए रहते हैं, जिनमें कि कुछ दिव्य शक्तियों का भय दिखाकर या किसी भी रूप में लोगों को उसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन बेसिकली उसके मूल में मानव मात्र के लिए अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग ही छुपी हुई होती है। क्योंकि लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मान लेंगे, ये बड़े बूढ़ों का तर्क रहता है, और जब धर्म का उसको दलील दी जाती है तो लोग उसको दिल से स्वीकार करते हैं और उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो आइए, आज का वीडियो मैं आपको बता रही हूँ कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो कि मेष से लेकर मीन तक है। धनु राशि में पड़ने वाला ये जो सूर्य ग्रहण है मेष राशि के लिए भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, लेकिन कुछ उपाय करके आप बच सकते हैं। इसके लिए आप लाल गणेश जी की पूजा करें तो आपको फ़ायदा होगा। मंगल यंत्र पूजा स्थान में अगर आपने रखा है या नहीं रखा है तो रख लीजिए, और मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करें। लाल चंदन की माला गले में ग्रहण करें या लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। वृषभ राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है किसी दुर्घटना का संकेत देता है, तो इसका रास्ता ये है कि जो वाहन वगैरह हैं इस दौरान आप सावधानी से चलाएं, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव होता है लगभग 6 माह तक रहता है, और इसलिए इस अवधि में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए, इससे बचने के लिए आप शुक्र ग्रह के मंत्रों का रेगुलर जाप करें। ज़्यादातर सफ़ेद, गुलाबी, काले इस रंग के कपड़े पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा किसी भी स्त्री का आप अपमान ना करें तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। और सूर्य देव के लिए आप हर संडे को गुड़ का दान करें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी का व्यवहार चिड़चिड़ा और आक्रामक हो सकता है, तो इससे बचने के लिए आप गुरुवार के व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और गुरुवार के व्रत में आप नमक मत खाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम 12 बजे तक आप नमक मत खाइए। इस दिन कुछ ना कुछ पीला जरूर बनाएं। शिव मंदिर में केले अवश्य चढ़ाएं। बृहस्पति के मंत्रों का रेगुलरली जाप करें। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शत्रु संबंधी थोड़ी पीड़ा उनको मिल सकती है। लोन वगैरह सोच समझ कर लेवें, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी चाहिए और एक मोती या मून स्टोन धारण कर लेना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली की जांच जरूर करवा लीजिए, और कोई भी स्टोन पहनते समय उसको चेक जरूर कर लीजिए कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी है तो फिर वो रत्न आप ना पहने। सिंह राशि के लिए संतान पक्ष से संबंधित कोई चिंताजनक बात सामने आ सकती है। इससे बचने के लिए आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और रविवार के कम से कम 11 व्रत करें जिसमें आप अनाज और नमक ना खाएं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए थोड़ा सा ये जो ग्रहण है सुख में कमी करेगा। मकान संबंधी कोई अचानक से अड़चन आ सकती है और मकान में किसी प्रकार की कोई ना कोई विघ्न बाधा जो कि अशांति की सूचक है दिखाई देने लग सकती है। इससे बचने के लिए आपको हरे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का रेगुलर जाप करना चाहिए और गायों को चारा डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए ये जो ग्रहण है इतना अशुभ नहीं रहेगा। थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अपने बुद्धि कौशल से बिगड़े हुए कामों को आप संवार लेंगे। इससे बचने के लिए थोड़े से भी जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के लिए शनिवार के व्रत कीजिए और शनिदेव की उपासना कीजिए। मंदिर में बैठकर शनिदेव के मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली की जाँच जरूर करवाइए। वृश्चिक राशि को आकस्मिक धन संबंधी नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ कर पैसे का निवेश करें। किसी को भी उधार पैसा देते समय सावधानी रखें। उपाय के तौर पे आप अपने पूजा स्थान में एक मूंगा रखें, लाल गणेश जी की आप पूजा करें। इसके अलावा आप
सूर्य देव का एक चित्र अपने पूजा स्थान में जरूर रखें या पूर्व दिशा में रखें और सूर्य चालीसा का पाठ करें। अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि, आपके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है काफ़ी डिटेल में, उसको आप अवश्य देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कम्प्लीटली क्या करना है। इसके लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और पूरा विस्तार से उस वीडियो में आपको पता चलेगा। अब मैं बताती हूँ मकर राशि। मकर राशि, आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि आपको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, मन में एक बेचैनी और एक उच्चाटन जैसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको एक कटैला रत्न आता है चांदी में बनवाकर मिडिल फिंगर में आप धारण कर लीजिए। शनिवार का व्रत करिए और शुक्रवार के दिन इत्र लगाकर सफ़ेद रंग की कोई शर्ट जरूर पहनिए या एक रुमाल अपने पास जरूर रखिए। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हरे गणेश जी की पूजा करें, इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा डेली पढ़ें। कुंभ राशि के लिए ये जो समय है ग्रहण काल का, इतना अशुभ ग्रहण का जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा ही, लेकिन जो ग्रहण आपके लिए प्रगतिवर्धक ही रहेगा और इतनी परेशानी आपको नहीं आएगी जितने की अन्य राशियों को आएगी। मीन राशि आपके लिए ये जो ग्रहण है पिता पक्ष से थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला बना है। इसके अलावा आपको अपने रोजगार के क्षेत्र में किसी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए और मंगल यंत्र को अपने पूजा स्थान में अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करेंगे ना तो आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से थोड़ी कमी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से तो विधाता के विधान को कोई नहीं मिटा सकता 100%, तो लेकिन जितने दुष्प्रभाव आपको पड़ने चाहिए उसमें कमी जरूर आप कर सकते हैं उपायों को करके। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी लाभदायी साबित होगा।